माई न्यू ब्लॉग गाइज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा फर्स्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए आज का फिर से न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइज। तो मुझे से आप एक बात कहने थे कि आप लोग पूछेंगे कि आपने तो पहले ही ब्लॉग बनाया था बट फिर से ब्लॉग फर्स्ट ब्लॉग की, तो गाइज तो उसका कारण ये था कि आप लोगों का सपोर्ट पहले नहीं था, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और आप लोग का सपोर्ट से मेरा चैनल भी ग्रो होगा। तो गाइज चलिए आज का न्यू फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइज। तो अभी मैं आ चुका हूँ बगीचे में, घूम रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा हरियाली भी है और बहुत ही अच्छा ये बगीचा, यहाँ पे हवा भी अच्छा लगता है। अभी कुछ देर पहले बारिश हो रहा था, अभी फिर धूप निकल गया है गाइज, तो अभी गर्मी उतना नहीं है क्योंकि अभी बारिश हुआ है, थोड़ा सा बारिश हुआ, ज़्यादा बारिश नहीं हुआ। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं क्या करना है, अभी तो कोई दिख तो नहीं रहा है, अभी बाद में कोई आएगा तो उनके साथ हम लोग कहीं चलेंगे घूमने या फिर आप आज अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए गाइज अभी देखते हैं क्या करना है गाइज। तो चलिए आज मैं आप लोगों को, मैं अपना अमरूद का पेड़ पे अमरूद आया है, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कितना बड़ा बड़ा आया है। मैं तो खा लिया हूँ बट आप लोग को दिखा देता हूँ गाइज। तो मैं आ चुका हूँ अपने अमरूद के पेड़ पे, तो चलिए आप लोग को मैं अपना अमरूद दिखाता हूँ। तो यही पेड़ है हम लोग का अमरूद का, तो आइए मैं आप लोग को अमरूद का पेड़ दिखाता हूँ गाइज। धूप आप देख सकते हैं कितना तेज उगा है, अभी बहुत धूप लग रही है गाइज, इधर देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे चेयर पर कितना तेज धूप आ रहा है गाइज। गाइज तो मैं अभी अमरूद तोड़ रहा हूँ, चलिए आप लोग को अमरूद तोड़कर दिखाता हूँ, यहाँ पे अमरूद बहुत है, आइए आप लोग को दिखाता हूँ एक अमरूद गाइज। तो आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ अभी अमरूद तोड़कर लाने, तो अभी देख सकते हैं मैं चढ़ रहा हूँ गाछ पे, पता ना मिलेगा या नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि मिल सकता है। गाइस तो ये देखिए मैं एक अमरूद लाया हूँ, ये पक गया, आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस पूरी तरह से ये अमरूद पक चुका है, और उतना पका हुआ अमरूद भी अच्छा नहीं लगता है, जो मीडियम साइज में पक रहता है जैसे थोड़ा काचा और थोड़ा पका रहता है वो लगा, ये अमरूद बहुत ही मस्त लगता है, मैं ऐसे अमरूद नहीं खाता हूँ। आप सबने देख लिया कि अमरूद ही मेरा पक चुका है। आम का एक पेड़ था जो अभी आम आया था, उसके बाद आम भी ख़त्म हो चुका है, आम का सीजन ही चला गया, ख़त्म भी हो चुका है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं गाइस। तो आइए मैं अपना स्टडी टेबल दिखाता हूँ, तो चलिए मैं अपना स्टडी टेबल आप लोगों को गाइस आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा स्टडी टेबल, यहीं पे ये जो फैन है इसे, यहाँ प्लग है, यहाँ पे बोर्ड भी है, इधर ही तो लगा देता हूँ और इसे फैन को स्टार्ट कर देता हूँ। और इधर बुक रखा है, इस डब्बे में मेरा हाइलाइटर जो होता है, जो बुक के कुछ नोट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उसमें काम आते हैं, यहाँ पर मैं अपना हाइलाइटर इसमें रखा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और ये बैग है जिसमें 10th का बुक है बट मैं अभी 9th में हूँ, तो 9th 10th दोनों का मैं सिलेबस देख लेता हूँ। आई होप कि गाइस आप लोगों को मेरा स्टडी टेबल पसंद आया होगा। तो ये रहा, ये था मेरा स्टडी टेबल, अभी देखते हैं क्या करना है, और आइए आपको कुछ और दिखाता हूँ। गाइस तो हम लोग जहाँ खेलते हैं डी एरिया खेलते हैं, छोटा बाउंड्री कहते हैं हम लोग, वही डी एरिया खेलते हैं। तो ये मैं अपना डी एरिया फील्ड दिखा देता हूँ, बहुत छोटा है गाइस, उसी में मजा आता है क्योंकि डी एरिया खेलने में बहुत मजा आता है, जैसे जल्दी आउट हो जाता है लोग और बहुत ही मजा आता है गाइस। आइए आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, ये है हमारा डी एरिया फील्ड, इधर चारों तरफ वो जो धान है वो उधर रोपा जा चुका है, और ये खेत बाकी ज़्यादा सोचा हम लोग इसी में खेल लेते हैं गाइस। इधर घास भी है और अभी बारिश आया था तो उसके वजह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पाक की छो चुका है गाइस। उस दिन तो बहुत ही पानी था, हम लोग तो इसे थोड़ा कम किया, आप लोग को दिखाता हूँ, हम लोग उस दिन कम किए थे, कल ही शायद हम लोग पानी में कम किए थे। इधर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग बनाए हुए थे होल एक पानी जाने के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा गड्ढा हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते यहाँ पे हम लोग होल बनाए थे एक, और इधर से पानी निकल रहा था, और ये जो था यहाँ पे लकड़ी से दाब देते कि क्यों गिरेगा नहीं, इसीलिए हम लोग इधर बनाए थे, और इधर पानी फिर से लग चुका है, तो अभी शायद कल या परसों तक ये सूखेगा तो इसमें हम लोग फिर से खेलेंगे। अगर आज कुछ खेलेंगे तो आप लोग को, आप लोग के साथ मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपना लाइफ में जो करता हूँ आप लोग के साथ शेयर जरूर करता हूँ। तो गाइस ये सब आप सब देख सकते हैं इधर, तो यही इतना पाक है गाइस, और ये जो काई होता है वो भी इस खेत में, जब पानी नहीं रहता है तो ठीक रहता है बट गाइस ये सब देख सकते हैं, इधर पानी है अभी, इधर पानी है गाइस आप सब देख सकते हैं, और ये
जो घर है वो उधर, जो उधर दिख रहा है उधर, उधर उधर एक गांव है उधर ही है उनका घर, तो उनका जो खेत था तो यहाँ पे उनका घर बना है। ठीक है, तो अभी आइए दिखाता हूँ ये पूरा, यहाँ पूरा एक भी खेत बाकी नहीं, बट ये एक खेत बाकी है जिसमें धान नहीं रोपा गया है, नहीं तो पूरा खेत धान रोपा जा चुका है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। और मेरे घर के आसपास बहुत सारे हरियाली है, देख सकते हैं इधर इधर, ये मेरा घर है, छोटा सा घर है, और एक पुराना घर उधर है, तो आप सब देख सकते हैं ये दूसरा किसी का घर है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मेरे घर के आसपास कितना कितना अच्छा, यहाँ पे आकर रात को सोने में गाइस बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हवा भी बहुत मस्त चलता है। और इधर भी खेत आप सब देख सकते हैं, इधर रोपा जा चुका है, और ये इधर भी कोई खेत गाइस बाकी नहीं है, बट एक वो खेत जो हम लोग खेलते हैं वही खेत बाकी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या करना है। और हम लोग कभी कभी यहाँ पे भी खेल लेते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा कूड़ा कचरा हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं खेलते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे भी खेल लेते हैं, बट इसमें पानी लगा है, ये और दो खेत है बस। मैंने इसे बोलना याद ही नहीं पड़ा कि आप लोग को बताऊँ, देखा तो फिर याद पड़ा, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेड़ है बस, और इधर यहाँ पे जो सब्जी रोपा गया था वही था, और इधर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शाम होगा तो खेलेंगे, इससे पहले देखता हूँ क्या करना है। गाइस, तो मैंने एक दोस्त को भी बुलाया है, तो अभी वो आ रहे हैं, रास्ते में होंगे, ज़्यादा दूर घर नहीं है, वहाँ पे उनका घर है, आप सब देख सकते हैं उधर जो घर है वो उनका घर है। ठीक है गाइस, वहाँ पे आ रहे हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे। गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है, ये यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और शाम भी हो चुकी है, तो हम लोग सोचे कहीं जाने के लिए, तो देख रहे हैं कोई आएगा तो कहीं जाएंगे घूमने, तो अभी तक कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे एक इधर है खेल रहा है, लो यहीं पे अपने खेल में। ठीक है, अपने खेल में सब कोई व्यस्त है, और हम लोग अभी कोई आया ही नहीं, और पता ना कभी कोई आएगा तो कहीं जाएंगे लोग घूमने, नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे लोग। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक दो तीन और एक उधर चार है, और चारों अपने खेल में व्यस्त है। गाइस, आप सब देख सकते हैं ये कैसे खेल रहे हैं लोग, ये जो माटी का होता है वो चिकनी मिट्टी लेकर, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए। गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, स्टैंड भी ले लिया हम अपने साथ, अभी हम लोग जा रहे हैं, उधर पानी आया है बहुत, मतलब इतना पानी है कि मैं भी उसमें डूब जाऊंगा। आइए आप लोग को भी मैं दिखाता हूँ, तो मैंने स्टैंड भी ले लिया और साइकिल उधर है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। गाइस, तो अभी आप सब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पोखरा पे, जहाँ पानी आप सब देख सकते हैं आप लोग के सामने, इतना पानी आ चुका है, वो जो बीच में पानी है बहुत ज़्यादा पानी है, जैसे मैं डूब सकता हूँ बीच में, मैं क्या बड़े लोग भी वहाँ पे बीच में डूब सकते हैं, क्योंकि बहुत पानी। और यहाँ पे देख सकते कितने लोग हैं यहाँ पे, गाइस यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, आइए और आपको दिखाता हूँ। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग कितने मौज कर रहे हैं यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, और पानी बहुत है। गाइस, आइए आप लोगों को मछली दिखाता हूँ। गाइस, तो आप सब देख सकते हैं इसमें मछली भी है, गाइस अभी दिखता नहीं होगा साफ, मछली का वीडियो बनाना था, तो जो आए थे दानिश ने वो बोलने लगे, इसी हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, और आप सब देख सकते हैं बारिश आने वाला है, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो इस ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय।